जवान ये भाई हम यार देख रहे हो हमारी कौन सी फटी पुरानी गाड़ी है भाई ऐसा करके। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे भाई 10 बजे, और आज का ब्लॉग हम यहाँ बाहर जा रहे हैं फिर बनाने के लिए। जैसे आपको उस दिन वहाँ दिखाया था ना भाई, कितना मज़ा आया था आपको देख के, मुझे ऐसा लगता है कुछ। तो ऐसा 27वां रोजा है, 2 दिन बाद अलविदा भी है, तो मेरी तरफ से अलविदा, जुमा मुबारक। तो दोस्तों फिर चलते हैं भाई, बाहर का ब्लॉग बनाएंगे और जहाँ जा रहे हैं वहीं पर वीडियो डायरेक्ट दिखाएंगे आपको, क्योंकि भाई रास्ते में मैं गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ तो उसकी आवाज़ जो है ना आपको सुनाई नहीं पाती। मेरी बहुत सारी वीडियो थी ऐसी जो मैं रास्ते में बोल रहा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने काट दी। तो ठीक है दोस्तों, फिर वहीं पर डायरेक्ट जाके बोलेंगे, बाइक पे चलाते में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, चश्मा ले लिया भाई, चलो। दोस्तों हम चुंगी पर आ चुके हैं और हम जाएंगे कर्णवास वाले रोड पे से, और नीचे सीधे सीधे अपने रास्ते से निकलेंगे। दिखाते हो कौन सा रोड है आपको, कर्णवास वाला रोड। तो भाई यहीं से चलेंगे, ठीक है भाई। बाइक इसमें कुछ ज़्यादा कमी है तो ठीक कर लें पहले। इसमें चैन टाइट हमने करी है, चैन ढीली थी तो इसको ठीक कर लें, इसके बाद हम करेंगे इसका एवरेज ठीक होता वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहना मेरे साथ। ठीक भाई, हम यार देख रहे हो हमारी कौन सी फटी पुरानी गाड़ी है भाई, ये भी स्प्लेंडर भाई। प्यार इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि हम एक नई बाइक खरीद लें भाई ब्लॉग बनाने के लिए भाई, जहाँ पे हमें जाना आना पड़ता है। तो भाई इतनी ख़राब गाड़ी भाई ये, देखो टायर भी आ गया जैसा पड़ा था वहाँ भाई, पैसे भी नहीं है बदलवाने के लिए। बोला जा रहा प्लग पहले, यहीं से एवरेज ठीक हो गया इसका। देखते हैं भाई, ये अगर प्लग सफ़ेद हुआ तो मतलब सही है, और प्लग काला हुआ तो ख़राब है, यानी कि एवरेज भाई इसका सही नहीं है भाई, मर जाएंगे हम तो भाई। तेल के लिए पैसे भी ना, क्या करें। ऑल ऑयल सब चेक कर लिया इसका, एवरेज हो गया, चैन वाइट टायर हो गया। हम यहाँ से बोलेंगे ये रास्ता है अब नुशहर जाने का। तो भाई देखो भाई, यार पहली दफा आए आपको हम दिखाने, हम भी देखना है ये भाई बाजार है इसका। ये देख रहे हो भाई यार कितना अच्छा लगा रहा है। हमने पार्क कर दिया भाई गाड़ी का, कोई पार्किंग का चार्ज नहीं, यहाँ पे आओगे भाई फ्री में गाड़ी खड़ी करो और घूमो। चलते हैं भाई पहले हनुमान जी की मूर्ति पे, हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही बढ़िया भाई। चलते हैं भाई आगे को, गार्डन है भाई अपने, शाम को आया हूँ, बैठो उठो बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है भाई। आ चुके हैं हम तो भाई, कितनी बड़ी मूर्ति है भाई, लो आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर में भाई पानी वानी भर हुआ देख रहे हो आप, कितना बड़ा भाई ये पूरा नूशर में वहाँ पे जा रहा है, आगे को बहुत ही ज़्यादा पानी है भाई। वहाँ पे जो लोग हैं ना देखो, वहाँ पे ये नाव पे आपको नाव वाव पूरे खड़ी है, खड़ी है वहाँ पे, आदमी भी खड़े हैं। तो वहीं चलते हैं भाई, नहीं तो थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। वहाँ आ चुके हैं, वहाँ पे भाई मुर्दा फूक रहा है, वो निकल रहा आपको नहीं दिख रहा वो कैमरे में, लेकिन हमारी नज़रों से दिख रहा भाई। भाई सब लोग घाट में नहा रहे हैं यहाँ पे भाई, यहाँ भाई पल्ली पार जाने के लिए भाई तैयार है। तो हम नहीं ऊपर चलते हैं भाई यहाँ से, कितनी बड़ी जगह है भाई। भाई मेरा बहुत ही मन था भाई इधर आने का, मैं किया वहाँ पर अनुश्वर में जाके वीडियो बनाऊँ भाई, तो मौका आ ही गया बोला। तो भाई इधर तो लग रहा ताला, इसलिए हम फलंग पे जाएंगे ऐसा करके, अभी आपको मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं आगे को। भाई इधर चल रहा पानी, मेरा हाथ बंद धो लेते हैं। हाँ 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 हाँ, जेपी मंदिर, ये तो आपने आपको घाट पर दिखाया घूमने फिरने का भाई, नहाने धोने का। हाँ यार हर जगह गेट लगा रखा, निकलेंगे कैसे यहाँ से, निकलेंगे पतली सी जगह तो निकलेंगे कैसे ना। जेपी मंदिर भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि भाई गाड़ी अपनी अकेले हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, गाड़ी लेने गए अपना फ्रेंड, गाड़ी लेकर आता है भाई, खाने पीने का सामान जो चाहे वो ले सकते हैं भाई आप, ब्रेड पकौड़ा वकौड़ा भाई सब कुछ यहाँ पे, बोतल वोटल भाई यूज करने बनने का सब।
आ चुके हैं हम, आपको दिखा दूँ। चलिए भाई आगे ब्लॉग में चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे करके। तीन है भाई, एक बड़ी है सबसे, एक छोटी है, फिर सबसे छोटी है भाई। यहाँ से इसका रास्ता है तो यहीं से चलते हैं अंदर। पीने का भी दिया भाई, पानी पी सकते हैं आप। सही भाई, नॉर्मल पानी भाई। आपका जेपी मंदिर भाई, तीन दरवाजे हैं इसका, पहला दूसरा थर्ड। तो भाई चलते हैं अंदर, भाई एंट्री करते हैं। क्या पहला बजाओ घंटा ऐसा करके, अरे ये भाई पूरा देव व्यू देख रहे हो भाई, कितना बड़ा मंदिर है भाई। चलते भाई अंदर को, फिर धीरे धीरे कर दिया। पंखे भी लगने हैं भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा, सुकून है यहाँ पे, ठंडा ठंडा मौसम है भाई। भाई होता अगर तो भाई ऐसा ही होता भाई, सुकून का ही भाई, कहीं भी चले जाओ आप। ये भाई ये लगा भाई सामने, तो भाई ये अपना भाई देख रहे हो भाई पूरा। तो थोड़ा पास पास करके दिखाता हूँ आपको मैं। हनुमान जी और ये सामने दिख रहे हैं राधा कृष्णा जी, और ये हैं शिव जी, और हैं श्री राम दरकार जी, और वो सामने क्या दिख रहा भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो भाई ओहो भाई ये है महागौरी, वहाँ गौरी गौरी हो रही है भाई, एकदम से ऊपर नीचे ले गया था। चलते हैं भाई, ये भाई ताकत वाकत है बैठने बैठने के लिए भाई। ये भाई यहाँ से भी नज़ारा आपको दिखेगा बढ़िया करके। ये आपके काल रात्रि, और भाई ये तो बड़ी टेंजल लग रही है भाई देखने में। ये कौन सी आ गई हैं, कतियायिनी है भाई, ये ऐसी नाम है कुछ। और ये हैं भाई स्कंदर माता, नाम भाई। ये हैं सरस्वती जी भाई, काफ़ी अच्छी भाई पैसा खर्च करा भाई, काफ़ी बढ़िया पैसा खर्च करा। और ये हैं आपके कृष्मांडा, आगे भाई ब्रह्मचारिणी, सभी गोरी शोलपुत्री भी इस पर रखे हैं भाई यहाँ पे। तो मन तो गला निकाल लो, लेकिन अच्छी बात नहीं निकालना। बड़ा है भाई देख रहे हो आप सब, बहुत ही बड़ा मंदिर है। बाहर तो भाई बहुत ही धूप पड़ रही है, यहाँ तो छाया में भी अच्छा भी लग रहा काफ़ी। आते जाते घंटा दिख गया, तो एक बार और दबाते से ना भाई, बैठने के लिए भी भाई बैठ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलो भाई चलते हैं भाई, ठीक है। हम हॉस्पिटल जेपी और जेपी कॉलेज, ठीक है दोस्तों, निकलते भाई यहाँ से हम। इसका बड़ा रास्ता भाई वो सामने दिख रहा ना भाई, वही मोड़ से वाली निकलने सा भाई। जेपी विश्वविद्यालय पीछे, ये अपना जेपी विश्वविद्यालय स्कूल है, और उसके बराबर में ही जेपी हॉस्पिटल है भाई, काफ़ी बड़ा भाई। उधर मंदिर है, इधर हॉस्पिटल है, इधर स्कूल है भाई, दोनों चीज़ें भाई काफ़ी बड़े बड़े हैं। आपको यही दिखाना आया था, चलते खुल्ला भाई, ये पता नहीं भाई कौन सा खुल्ला है, लेकिन खुल्ला भाई देखो तैयारी चल रही है भाई। और इसके बराबर भाई ये हीरो का शोरूम है भाई, हीरो का शोरूम भी खुल्ला भाई यहाँ पर, टाटा का शोरूम। दोस्तों घर आ चुके हैं, खाना आ चुका दोस्तों, खाना खाते हैं। आज बनी है कुर्ती की फली भाई, तो खाना खा लिया है दोस्तों। इतनी मिर्च डाली थी भाई, मेरी तो सुलग रही है जवान, मिर्च लग रही है बहुत। तो ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।